अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं एग सैंडविच, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने 3 एग्स को इस तरह से स्क्रैम्बल कर लिया है, अब इसे साइड पे रख लेते हैं। और हमने ली है 6 ब्रेड, योगर्ट लिया है, और ये थोड़ा सा अनियन, ये एक स्मॉल साइज़ का अनियन है, हाफ कुकम्बर, स्मॉल साइज़ का एक मैंने टमाटर लिया है, और थोड़ी सी ही बंद गोभी ली है। स्पाइसेस में मैंने सिर्फ साल्ट, ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला लिया है। और मेयोनीज़ आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं, अपने हिसाब से आपने जितने सैंडविचेस बनाने हों आप उतने इंग्रेडिएंट्स ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले ले लिया है एक बाउल में प्याज, अपनी बंद गोभी भी डाल दी है, बंद गोभी डालने के बाद टमाटर डाल दिए हैं, और साथ में ही मैंने ये सारे खीरे भी इसमें ऐड कर दिए हैं। सारे खीरे ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करते हैं एग्स को। ये सारे हमने एग्स ऐड कर लिए हैं, और अब इसमें जा रहे हैं सारे स्पाइसेस, सॉल्ट, ब्लैक पेपर पाउडर और चाट मसाला। अब हमने योगर्ट इस हिसाब से डालनी है कि ये अच्छा सा मिक्सचर रेडी हो जाए, जो ब्रेड पे इजीली स्प्रेड हो सके, बहुत ज़्यादा ड्राई इंग्रेडिएंट्स भी ना हो और बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं होना चाहिए। इसे अच्छे से मिक्स कर लें, आपको जितनी ज़रूरत फील हो आप उस हिसाब से बना सकते हैं। इस तरह से ये बना लेना है। अब हम ऐड कर लेंगे मेयोनीज़, मेयोनीज़ भी उसी हिसाब से आपने डालनी है, बिल्कुल मेयोनीज़ का ही टेस्ट ना आए, बल्कि ये अच्छा सा सॉफ्ट सा मिक्सचर रेडी हो जाए, जो अच्छे से हम ब्रेड पे स्प्रेड कर सकें। ये देखें हमारा मिक्सचर अच्छे से रेडी हो गया है, इस तरह का हमें मिक्सचर चाहिए। ये देखें, ये बिल्कुल भी कहीं से रनी या बहुत ज़्यादा ड्राई फील नहीं हो रहा। अब हम आप ब्रेड पे ये अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे, स्पून से कर लें, नाइफ से कर लें, जिससे भी ईजी लगे। इस तरह से ब्रेड पर स्प्रेड कर लिया है, और अब सेकंड ब्रेड को उस पे रख के इस तरह से हल्के हल्के प्रेस करना है, और अब इनके एजेस को कट कर लें। ये लीजिए हमारे सैंडविच रेडी हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।